गुड मॉम्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि बच्चे कब चलना शुरू करते हैं। हम सारे पेरेंट्स, सारी मदर्स बहुत ही गर्ली वेट करती हैं कि बच्चे बस कब चलना शुरू करेंगे। आसपास भी सब हमसे पूछते रहते हैं कि अच्छे बच्चे ने चलना शुरू किया क्या, और तब हमारे मन में आता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, कि मेरे बच्चे चलना शुरू किया है और ये सही टाइम है, और किस एज में बच्चे चलना शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी कि बच्चे कब चलना शुरू करते हैं और क्या क्या स्टेजेस हैं। इनिशियली बच्चा एकदम से चलने तो नहीं लगता है, धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं जो बच्चे उसके वो सारी स्टेजेस को गो थ्रू करके फिर वो चलना शुरू करता है। बच्चे के पहले कदम बहुत ही स्पेशल होते हैं। स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखा है वो आहान के फर्स्ट स्टेप्स हैं। आहन के मेरा फर्स्ट बर्थडे था जब आहन ने मुझे पहली बार अपने फर्स्ट स्टेप्स दिखाए थे, और वो काफी स्पेशल मोमेंट मेरे लिए था। व्हेन आई वाज लाइक आहन जस्ट कम, मैं उसको ऐसे बुला रही थी एंड ही जस्ट केम वॉकिंग टू मी। तो आई थिंक वो मेरा सबसे प्यारा और सबसे स्पेशल बर्थडे था जो मुझे मिला था। अगर मैं बात करूं, बच्चे आइडियली कहते हैं कि 10 से 16 महीने के बीच बच्चे चलने लगते हैं। ये वो आइडियल टाइम कहते हैं कि बच्चे अगर 10 महीने का होगा तो उसके बाद से वो चलना शुरू करते हैं। टिल 16 मंथ्स उनको चलना चाहिए, तो 10 से 16 महीने का वो पीरियड माना जाता है कि बच्चे इसके बीच चलने लगते हैं। आहान की बात करूँ तो वो अराउंड 13 महीने का था जब उसने चलना शुरू किया था। सो उससे पहले प्रॉपर चलने की मैं बात कर रही हूँ, 13 मंथ से प्रॉपर चलने और भागने लगा था। सो उससे पहले बच्चा सीधा जो स्टेजेस आहान के साथ मैंने ऑब्जर्व करी हैं, कैसे ऑब्जर्व करी हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। सारे बच्चे इसी ऑर्डर में जनरली इन स्टेजेस को गो थ्रू करते हैं और फिर वो चलना शुरू करते हैं। सो आइए देखिए क्या क्या स्टेजेस हैं, किस किस टाइम पर आप इनको नोटिस करते हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि इन स्टेजेस को भी आप इंजॉय करें और बच्चों की जो फर्स्ट वॉक है उसको भी आप इंजॉय करें और वेलकम करें। एक और बात स्टार्टिंग में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ कंपेयर ना करें। होता क्या है, जनरली कंपैरिजन बहुत होता है। कुछ कहते हैं कि अच्छा, अगर आपके आसपास पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, वो कहें हमारे बच्चे तो ना इसी टाइम पर चलने लगे थे, या फिर हमारा बच्चा तो ये वाली स्टेज क्रॉल बहुत ही जल्दी करने लग गया था, या फिर ये बहुत जल्दी करने लग गया था। उस टाइम पर बहुत से पेरेंट्स डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि क्या हमारे बच्चे के साथ सब कुछ ठीक है, वो अभी इतनी जल्दी नहीं कर रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हर बच्चा डिफरेंट है। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड्स ग्रोथ विद एनी बडी एल्स। हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा अपने वे में यूनिक होता है। सो अनटिल एंड अनलेस जो सारी स्टेजेस आज मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ ठीक चल रहा है आपका बच्चा टाइम टू टाइम, और इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट आप उसके साथ नोटिस कर रहे हैं कि ये सब चल रहा है, तो बच्चा फॉर श्योर चलने लगेगा, भागने लगेगा। और जब वो चलने और भागने लगते हैं ना, तो आप बस तैयार हो जाइए मॉम्स एंड डैड्स उनके पीछे भागने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत भगाते हैं। रिमेंबर जब आने चलना शुरू किया तो मुझे उंगलियाँ पकड़ पकड़ के हर जगह लेके जाता था, बहुत 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 भगाया उसने मुझे। सो लेट्स सी द वेरियस स्टेजेस बच्चे कब चलना शुरू करते हैं। स्टेज है आपका रोल ओवर। रोल ओवर यानी पलटना। रोल ओवर आप जनरली 3 से 4 महीने में देखेंगे कि आपका बच्चा रोल करने लगा, यानी वो पलटने लगा है। अगर मैं आन की बात करूं तो वो 2 महीने के अराउंड पलटना शुरू कर दिया था, और यस, वो हैप्पी सा मोमेंट होता है। पलटने के लिए बच्चे को आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, जनरली उसको टमी टाइम देने, यानी पेट के बल बच्चे को थोड़ी देर लेटाना, इससे बच्चे को उसकी नेक में भी स्ट्रेंथ मिलती है, और कुछ कुछ टॉयज से उसको खिलाना, प्ले जिम में बच्चे को लेटाए, बच्चे अपने हाथ पैर ऐसे मारते हैं, दे गेट एक्साइटेड ओवर द टॉयज, उसको प्ले मैट में थोड़ी देर लेटाएं और उसको मोटिवेट करें। टमी टाइम आप बच्चे को देते रहें, बच्चे का डाइजेशन भी इससे अच्छा रहता है। प्लस ये जो उसका फर्स्ट स्टेज है, दैट इज पलटना, इसमें भी बच्चे को टमी टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सो फर्स्ट स्टेज जो आपकी होती है ऑफ वॉकिंग, दैट इज द रोल ओवर, यानी सबसे पहले बच्चे पलटना शुरू करते हैं। स्टेज है आपकी सिटअप यानी बैठना। 6 से 7 महीने में आप नोटिस करेंगे कि आपका बच्चे खुद से बैठने लग गया है, आसपास की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगे। आप नोटिस करेंगे, आप इधर जा रहे हैं तो बच्चा इधर देखता है, वो इधर भी देख रहा है, और आसपास की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं, बैठने लगते हैं, और वो एक टेडी बेयर टाइप के लगते हैं जब वो बैठे रहते हैं। एंड काफ़ी स्पेशल सा मोमेंट हो जाता है तब सारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा एंटरटेन करना पॉसिबल होता है बच्चे के लिए, आसपास की चीज़ों को वो ज़्यादा उसका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है इस टाइम का। तो 6 से 7 महीने में आप नोटिस करेंगे कि आपका जो बच्चा है वो बैठने लगा है। स्टेज है आपकी क्रॉलिंग। 8 से 10 महीने में आप नोटिस करेंगे कि आपका बच्चा क्रॉल करने लग गया है।
क्रॉल, आई रिमेम्बर हम आहान के सामने यू नो कोई भी कोई अच्छा सा कोई चीज टॉय दूर पे रख देते थे, कोई लाइट वाला टॉय या फिर कुछ भी, और वो यू नो उसको देखने के लिए वो फटाफट ऐसे यू नो क्रॉल करके आया करता था। सो 8 से 10 महीने के बीच आप भी नोटिस करेंगे कि बच्चा जो है वो क्रॉल करने लग गया है और वो यू नो रेडी होता जा रहा है। इस टाइम पर मोटिवेशन करें बच्चे को, यू नो काफी, जब भी वो क्रॉल करे उसको काफी एक चेयरअप उसको करें। हम काफी चेयरअप करते थे आन को, रिमेम्बर मैं किचन में चली जाती थी और वो पीछे 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 मेरे किचन, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे क्रॉल करके आया करता था, मैं बड़ा इंजॉय करती थी उस टाइम पे। सो आपकी थर्ड स्टेज है क्रॉलिंग, 8 से 10 महीने के बीच आप इसको देख सकते हैं अपने बच्चे के अंदर। स्टेज है आपकी पुलअप, पुलअप यानी अब आप नोटिस करेंगे कि जो आपका बच्चा है वो किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होने लगा है, यानी जैसे कोई टेबल है या चेयर है या फिर बेड है तो वो क्या करेगा, पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। आप नोटिस करेंगे इनिशियली बच्चा थोड़ी देर खड़ा रह पाता है किसी को पकड़ खड़ा, फिर नीचे गिर जाता है, किसी को पकड़ के खड़ा होता है फिर नीचे गिर जाता है। सो ये उसकी चौथी स्टेज होती है जब वो चीज़ों को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। पांचवी स्टेज है स्टैंडिंग, अब आप देखेंगे कि आपका बच्चा खड़ा होने लगा है, यानी बिना किसी सपोर्ट के भी वो काफ़ी देर खड़ा रह सकता है। यानी इनिशियली आप नोटिस करेंगे कि बच्चा 5 सेकंड खड़ा हो पा रहा है अपने आप से, और आई रिमेंबर आज जब अपने आप से खड़ा होता था थोड़ी देर, वो जो पहले वो पकड़ के खड़ा होता था उसके बाद वो ऐसे स्ट्रेट खड़ा होता था एंड फिर वो मुझे दिखता था कि ओके मुझे यू नो ऐसे आई यूज टू फील दैट कनेक्शन कि मुझे दिखाना चाह रहा है कि हाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ, और फिर से वो उस चीज़ को पकड़ अपने सामने वाले किसी मन को पकड़ लेता। तो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे 5 सेकंड, फिर उसके बाद 10 सेकंड, और धीरे धीरे वो खड़ा होना शुरू कर देते हैं। सो ये उनका यू नो फिफ्थ स्टेज है बच्चे की, जब वो अपने आप से खड़ा होना शुरू कर देते हैं। सिक्स है आपकी क्रूजिंग, क्रूजिंग यानी बच्चे क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए जो बेड है वो बेड के एक कोने से दूसरे कोने तक पकड़ पकड़ के चलते रहते हैं। सो ये अब आप अगर बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया तो अब आप रेडी हो जाइए कि बच्चा चलना शुरू कर देगा। एंड यू नो सो आहान भी ऐसे करता था, बेड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो यू नो पकड़ पकड़ के चला करता था। सो क्रूजिंग 6 स्टेज है जो बच्चों में देखी जाती है, और इसके बाद आ जाती है आपकी स्टेज 7 जो कि है वॉकिंग। अब आप नोटिस करेंगे कि बच्चों ने चलना शुरू कर दिया है, और आप बहुत जल्दी अगर क्रूजिंग के बाद स्टेज 7 कभी भी आप देख सकते हैं कि बच्चे ने अपने आप से चलना शुरू कर दिया है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, आन के साथ हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली उसकी दादी एक गेम खेला करती थी दैट यू नो ही यूज्ड टू सिट इन अ चेयर। हम उसको एक छोटी सी बेबी चेयर में बिठाते थे एंड देन उसको जो उसकी दादी थी शी यूज्ड टू से कम, तो वो उठना तो उसको ऑफकोर्स आ गया था। उसके बाद जो उसने फर्स्ट स्टेप्स लेने शुरू किए थे ना इसी मेथड, तो उसको वो मोटिवेशन मिलता था, तो वो चेयर से उठता था एंड देन ही स्टार्टेड टेकिंग द स्टेप्स। तो ये हमारे मेरे केस में आन के टाइम पर मुझे याद है, और जब मैंने भी उसको ऐसे किया था ही वाज सिटिंग इन द चेयर एंड ही जस्ट गॉट अप एंड आई सेड कम एंड देन ही जस्ट स्टार्टेड कमिंग। सो चेयर मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं, किसी चेयर पर बच्चे को बिठाएं डेली, उसको स्टैंड अप कम ऑलवेज मोटिवेट दिस thing always works, come stand up, come। so ये चीज़ मुझे आन की मेमोरी याद है अभी भी कि हमने उसको इस तरीके से भी हम उसको मोटिवेट किया करते थे चलने के लिए। तो ये था आज का वीडियो मॉम्स, मैंने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी आन के साथ, यू नो ये सारी स्टेजेस हम सब पेरेंट्स यू नो ऑब्जर्व करते हैं जब बच्चे चलना शुरू करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके यू नो उस कन्फ्यूजन को दूर करेगा कि बच्चे के यू नो क्या क्या ग्रोथ माइलस्टोन्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी टाइमिंग्स में जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली ये सब आप नोटिस करें, एज आई टोल्ड यू हर बच्चे का जो ग्रोथ है वो वेरी कर सकता है। सो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन ना लें कि बच्चा चल नहीं रहा है। अगेन एज आई टोल्ड यू बच्चे को कंपेयर ना करें, दूसरे का बच्चा चलने लगे हमारा बच्चा नहीं चल रहा है, दूसरे का बच्चा ऐसे कर रहा है हमारा बच्चा वैसे नहीं कर रहा है। पेरेंटिंग हम कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी पेरेंटिंग को कंपेयर करते हैं, हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, उसकी ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम बच्चे के लिए कुछ अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं क्या, कि दूसरे का बच्चा तो वो कर पा रहा है, वो बहुत जल्दी चलने लग गया, वो ज़्यादा एक्टिव है और हमारा बच्चा उतना नहीं है। ऐसा होता है इनिशियल यू नो न्यू पेरेंट्स को ऐसा लगता ही है, क्यूरियस होते हैं हम बहुत ज़्यादा। मैं खुद उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यू नो पढ़ती रहती थी और सब कहते थे, बट विथ टाइम आई रियलाइज दिस थिंग दैट यू नो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट,
कुछ बच्चे कुछ माइलस्टोन आप नोटिस करेंगे बहुत जल्दी, फर्स्ट माइलस्टोन मान ली, कुछ बच्चे बहुत जल्दी रोल करते हैं, बट उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है रोल होने के बाद यू नो क्रॉल करना, कुछ बच्चे क्रॉल थोड़ा लेट करेंगे. सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे एक स्टेज को स्किप करेंगे जल्दी जल्दी यू नो उनके आप स्टेजेस नोटिस करेंगे. थोड़ी बहुत स्टेजेस ऊपर नीचे भी होती, ज़रूरी नहीं एक पैटर्न ही वो फॉलो करें, बट एक आइडल पैटर्न है, आइडल स्टेजेस हैं जो कि जनरली देखी जाती हैं बच्चों में. सो पेरेंटिंग और ये जो बच्चे का फर्स्ट स्टेप्स की जर्नी है और उसके चलने की जर्नी है, इसको इन्जॉय करें. डोंट मेक इट अ स्ट्रेस जर्नी फॉर यू, मेक इट अ जर्नी ऑफ जॉय फॉर यू. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई और बात जो मैं यू नो आपको बता सकती हूं, एंड यू वुड लव टू नो फ्रॉम मी. आई बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी वे आई कैन. सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. मॉम्स टिल देन बाय. नमस्ते मॉम्स, टेक केयर. एंड यस, चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय. नमस्ते मॉम्स.